अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखना। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि मेरी कंपनी पासपोर्ट नहीं देती है, उसके अलावा मुझसे ज़्यादा काम करवाती है बट ओवर टाइम का पैसा नहीं देती है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। बहुत सारी न्यूज़ आई है आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही, ज़्यादातर न्यूज़ है सारी आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना। चलो आपके साथ जो पहली न्यूज़ है यहाँ पर यह शेयर करता हूँ। ये क्या है कि यहाँ पे द एम्प्लॉयर रिटेंशन ऑफ वर्कर पासपोर्ट विद द इंटेंशन ऑफ फोर्सिंग हिम टू वर्क और डिफ्रॉडिंग कंट्रोलिंग एक्सप्लोडिटिंग और थ्रीटिंग टू डू सो। यहाँ पे ये बताया गया कि आपकी कंपनी जो है आपका पासपोर्ट ले लेती है और उसके बाद आपको ये इस तरह का फ्रॉड करती है कि आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं काम करना है, मेरी ही कंपनी में कहीं आपको जाने नहीं देंगे या फिर कुछ भी इस तरह का, आपको पासपोर्ट नहीं देती है। तो ये जो है ये एक जो वायलेशन है, इसके खिलाफ़ आप जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बताया ये भी गया कि 15 साल की जो है कंपनी में जेल होगी और इसके अलावा जो है 1 मिलियन रियाल का फाइन लगेगा यहाँ पे अगर ऐसा आपके साथ कोई भी करता है तो। और अगली खबर मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया कि इस वीक में जो है इस आजकल में 11,337 लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आप लोग जो है अपने काम पे रेगुलर रहो, कंटिन्यू रहो, कोई भी ऐसा नहीं हो कि आप लोग वो डिपोर्ट हो जाओ इस तरह से। इसके अलावा एक और खबर आई जो कि हर वीक में आती है, यहाँ पे 14,509 लोगों को जो है इस वीक में अरेस्ट किया गया जो कि एकामा कानून, एकामा नहीं है, काम कुछ और कर रहे हैं, उसके बाद एकामा है भी तो कुछ और काम कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई किसी को हेल्प कर रहा है, इस तरह के लोगों को हर वीक में मैं बताता हूँ। तो इन लोगों को फिर से अरेस्ट किया गया। इसके अलावा एक सऊदी शहरी जो है यहाँ पर जॉब देने के हवाले से सबको, सबका जो है, सब लेडीज़ का जो है डिटेल ले करके उसको ब्लैकमेल करता था। उसको पहले तो बोलता था आपको यहाँ जॉब लगवा देंगे ये वो इस तरह से। उसके बाद जब उसका पेपर आ गया, उसके पास सारा डिटेल जो है पर्सनल डिटेल, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता था। तो इसके खिलाफ कंप्लेन किया गया, तो इसको जो है एक्शन लिया जा रहा है, इसको जो है पकड़ लिया गया। इसके अलावा जो है ये अपने ही जहाँ पर मैं रहता हूँ यहीं की बात है, हाइल में जो है एक मेड जो खद्दामा होती है उसके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई। यहाँ पे जो है वो 3 औरत और 1 मर्द मिलके उसको बहुत मारा पीटा, मार पीट के उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो जब हॉस्पिटल में गई तो उससे सवाल किया गया, तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। वो पहले तो किसी और के पास काम करती थी, वहाँ से भाग करके आके दूसरी जगह वो भी इलीगल तरीके से काम कर रही थी। जब कहीं से आ गई यहाँ पे, इसका कोई प्रूफ नहीं, इसके पास कोई भी पेपर नहीं, यहाँ काम कर रही थी। अब यहाँ पे भी कुछ हुआ ऐसा जिस वजह से उसको जो मारपीट किया गया, तो इसके खिलाफ़ जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन सख्त एक्शन लेने वाला इन लोगों के खिलाफ़, और इसके अलावा जो पुरानी कंपनी थी उसके खिलाफ़ भी एक्शन लेगा क्योंकि उसने कैसे अलाउ किया दूसरी जगह काम करने को। इसके ऊपर बहुत ही सख्त कानून है यहाँ का, आपको पता होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का जो ये कंप्लेन होता है कि मैं जो है ओवर टाइम करता हूं बट मेरी कंपनी जो ओवर टाइम नहीं देती है, तो इसको लेकर भी एक न्यूज आई है। यहाँ पे किसी ने सवाल किया कि मेरा जो है ओवर टाइम करवा लेती है या फिर मुझसे ज़्यादा काम करवाती है बट ओवर टाइम के नाम पे कुछ नहीं देती है, ये आप लोग का भी बहुत सवाल आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपना कंप्लेन करवा सकते हो कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम कर रही है, मेरी कंपनी जो है मुझे पैसा नहीं देर, बिंदास करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा रूल आप लोग के लिए ही बनाया गया है। तो आप लोग इसका जरूर इस पर जो है एक्शन लो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। इसके बाद एक बहुत बड़ी अपडेट ये आई यहाँ पे, मैं ये भी शेयर कर देता हूँ सारा का, आपको जो है स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। ये अपडेट ये है, एवरीवन हु थिंक व्हेन बाइंग ए वीजा बिकम ए फ्री वर्कर टू वर्क एनीवेयर, दिस इज अगेंस्ट द रेगुलेशन ऑफ स्टेट। इट इज़ फॉरबिडन टू सेल वर्क वीज़ा, और कहीं पे काम करने के लिए अगर ऐसा जैसे होता है ना दूसरी जगह आप जाते हो तो यहाँ पे आज़ाद वीज़ा का सिस्टम होता है, बट सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी से वीज़ा लेकर इस तरह का काम करते हो, पकड़ाते हो, तो आपके खिलाफ तो एक्शन होगा ही। इसके अलावा जो आप जिसके नाम से जिसने आपका वीज़ा इशू किया उसके खिलाफ एक्शन होगा, 20,000 रियाल का उसको फ़ाइन लगने वाला है।
तो ये सब से आप लोग बच के रहें। इसके बाद एक ये भी खबर बहुत जगह देख रहा हूँ कि क्या टोल टैक्स जो है अगले साल से सऊदी अरब में होने वाला है, तो ये सब खबर जो है फेक है। ऐसा कोई भी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगले साल से टोल टैक्स यहाँ पे लगने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं। एक खबर आई ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, यहाँ पर यह बताया गया कि अगर कोई रोड पर आप जा रहे हो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर फ्लो पानी का ज़्यादा है, तो आप ऐसे रोड पर आप क्रॉस मत करो अपनी गाड़ी, क्योंकि वहाँ पर खतरा है आपको। ये भी एक वायलेशन है, ट्रैफिक वायलेशन, तो आप ऐसी जगह पे अपनी गाड़ी जो है क्रॉस मत कर। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबर जो कि आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप लोग, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्या हो जाएगा? एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो सकता है थोड़ा, तो कर दो। चलो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।